आज का ये प्रोग्राम अल्फरा फैमिली फंड से जाली पब्लिक स्कूल अहमदाबाद इंतजामी के जेर साया इनकाद पजीर है और इस प्रोग्राम के इनकाद का मकसद अल्फरा स्कॉलरशिप स्कीम के उन स्कॉलर्स की मदद करना है जो उठाई लायक है होनहार है मगर मुस्तहिक है और ये न सिर्फ जिला गुजरात बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और अल्फरा स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लीकेशन देते हैं। अल्फरा स्कॉलरशिप स्कीम उन स्कॉलर्स के लिए स्कॉलरशिप का अहतमाम करती है और उनकी फंड रेजिंग के लिए मुख्तलिफ तालीमी इदारों में इस तरह के रंग रंग प्रोग्राम का अहतमाम किया जाता है जो पापरदा बेहतरीन और बामकसद तफरी है। तो उसी सिलसिले में आज रजानी पब्लिक स्कूल अहमदाबाद मुलैना में अल्फरा फैमिली फनफेयर का इनकार किया गया है और अलहमदिल्ला मैं सुबह से देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज ने विजिट किया और बहुत सारे दीगर इदारों से भी बच्चे आए। गजाली के बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, गजाली पब्लिक स्कूल अहमदाबाद के टीचर्स ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर स्टॉल्स का अरेंज किया। हम गजाली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर नाम मुदस्सर सिजाद राजा और उनकी पूरी टीम के मशहूर हैं कि जिन्होंने ये रंगारंग प्रोग्राम बड़े शार्ट नोटिस पर अरेंज किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन एक्टिविटी और बेहतरीन प्रोग्राम जो जारी और सारी है जिसमें बेशुमार स्टॉल्स हैं, आइसक्रीम, शवारमा, बर्गर, बिरयानी, गोल गप्पे, समोसा चाट, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स और दीगर और झूले भी हैं और बच्चे झूला झूल रहे हैं। लाहौर और मेला आशा भाई कितने मशहूर हैं तो जो हमारी आवाज़ पर पहुंच जाते हैं। बुनियादी तौर पे तो जी ये एक बामकसद तफरी है जिसका बुनियादी मकसद अल्फरा स्कॉलरशिप स्कीम के जितने स्कॉलर्स हैं उनके लिए फ़ंड रेजिंग करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नेकी का काम है, फ़ंड भी साथ है और जब हमने फैमिली को भी साथ इनवाइट कर लिया तो ये फैमिली फंड फेयर बन गया। आज बच्चे प्ले ग्रुप से लेके टेंथ क्लास के बच्चे जो हैं जिसमें 6th to 10th बॉयज़ शामिल नहीं हैं, बाकी सारे बच्चे जो हैं वो आज अपने माओं के साथ यहाँ पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल मौजूद हैं, झूले मौजूद हैं। तो ये भरपूर जो फन से भरपूर एक तफरी है वो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। फन फेयर तो होना तो उसको बहुत फ्रीक्वेंट चाहिए, शुरू ये 2018 में हुआ था लेकिन दरमियान में कुछ कोरोना की वजह से गैप आया जी जी। तो ये समझें कि सेकंड एडिशन है अभी जो साल का। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पहला एडिशन था वो भी बहुत कामयाब गया और आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम आज हुआ है। ज़ाहिर है जब इसका फाइनल कंप्लीशन होगी तो फिर हम इसका कोई एग्जैक्ट टाइम कर सकते हैं, अंदाजा लगा। पैगाम ये है कि ये जो आज एक शोरिश का दौर है और लोग जो हैं वो आजकल हर कोई मतलब एक अपनी अपनी ज़ात में गुम है, तो इस दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम किसी मकसद के तहत और किसी अच्छी सोच के तहत कोई काम करें। तो ये भी एक ऐसा ही इवेंट है, एक ऐसा ही मौका है कि जिसमें हम बुनियादी तौर पर एक खास मकसद के तहत, एक नेक मकसद के तहत ये एक प्रोग्राम हमने सजाया है। तो मेरा ख्याल ये है कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए इज्तमाही तौर पे, इंफरादी तौर पे, जो बन पड़े जितना बन पड़े हम कोशिश करें कि अच्छे काम, नेकी के काम और बामकसद काम हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर।